नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग परफॉर्मर एकेडमी पे। दोस्तों आज हम फिर आपके सामने अवेलेबल अपने सेम कोर्स के साथ, और कोर्स हमारा बेसिकली सिर्फ जनरल साइंस के कैप्सूल्स पे, जिसमें दोस्तों रेगुलरली हम आपको प्रेजेंट करते आ रहे हैं क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस होते हैं काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। दोस्तों ये सारे ही क्वेश्चंस आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उन्हीं के लिए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए या फिर एसएससी के एग्जाम्स के लिए, जो आरबीएफ का एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो दोस्तों मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ ये कंफर्म 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस को चूज किया गया, उन्हीं क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया गया है जो आपके एग्जाम्स में लगातार पूछते आए जा रहे हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है आप पूरा कोर्स देख रहे होंगे, इसका 15वां भाग है। इससे पहले हमने 1 से लेकर 14 भाग तक के वीडियोज ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखा है, उम्मीद है आपने क्वेश्चंस को देखे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 15वां भाग अपने जनरल साइंस के कैप्शंस के इस कोर्स का। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे बारे में पर्सनल डिटेल है, मेरा नाम अमरीश यादव है, पूरा कोर्स मेरे द्वारा क्रिएट किया गया है, ठीक है। इस कोर्स में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खुद को एनरोल कर लीजिएगा ताकि जब भी हम इसका नेक्स्ट सेशन प्रेजेंट करें तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा दोस्तों पूरे कोर्स को रेट रिव्यू और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। जैसे ये होगा कि आप अपने जो रेट करते हैं, जो भी मैं डिजर्विंग लगता हूँ 5, 4, 3 जो भी आप करते हैं वो कर दीजिए, और अपने रिव्यूज लिखना मत भूलिए कि क्या रीजन था आपने इतना किया, ठीक है। रिव्यूज आपके सजेशन हो सकते हैं, आपकी क्वेरीज हो सकती हैं, आपके अप्रिसिएशन हो सकते हैं कि इस कोर्स को कैसे और बढ़िया बनाया जा सके, ठीक है। उसके अलावा कुछ कोर्सेज मैंने आपके लिए और प्रेजेंट कर रखे हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का 15वां भाग। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। काफी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको रक्त दाब नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट, किस यंत्र का यूज किया जाता है। दोस्तों लगातार आपको क्वेश्चन इससे बनते हैं, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी उपकरण होते हैं और उनके यूजेस, उनका जो कार्य होता है, उनको किस उपयोग में लाया जाता है, ये पूछा जाता है। ये चारों ही ऑप्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके और मोस्ट रिपीटेड ऑप्शन है। सही ऑप्शन आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, तो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, जिसको हम स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। इससे क्या करते हैं हम कि रक्त दाब यानी जो ब्लड प्रेशर होता है उसका मापन करते हैं, उसको मापते हैं। तो ये चीज तो क्लियर होगी आपको कि किस यंत्र से हम रक्त दाब को मापते हैं, तो वो हो गया आपका स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस बचते हैं वो भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है। स्फिग्मोमैनोमीटर आपका पता चल गया कि रक्तदाब का मापक होता है। पहला क्या है आपका पीस मेकर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारे ब्लड प्रेशर जो होता है, ठीक है, वो जब कम हो जाता है तो उसको सामान्य अवस्था में लाने के लिए, ध्यान रखिएगा, जब हमारा जो हृदय स्पंदन जो हमारा हृदय स्पंदन होता है जब वो कम हो जाता है तो उसको सामान्य अवस्था में लाने के लिए हम पेस मेकर का यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये भी आपका। और दूसरा ऑप्शन की बात करें एनीमोमीटर, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट, आपको लगातार ही क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो एनीमोमीटर क्या करता है कि जो हवा की जो गति होती है उसका मापन करता है, जो हवा की पावर होती है या फिर जो उसकी मूवमेंट होती है, जो गति होती है उसका मापन करता है आपका एनीमोमीटर, ठीक है। ध्यान रखिएगा एनीमोमीटर क्या करता है आपका, हवा की गति या शक्ति का मापक करता है। और पेस मेकर क्या होता है कि जो हमारा हृदय स्पंदन जब कम हो जाता है तो उसको नॉर्मल यानी सामान्य अवस्था में लाने का काम करता है। और आपका स्फिग्मोमैनोमीटर क्या करता है, तो वो आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, जो रक्त दाब होता है उसको मापने का काम करता है। एमीटर सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको लगातार पूछा जाता है ये, तो विद्युत धारा की माप करता है। ध्यान रखिएगा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी माप क्या करता है, तो वो करता है एमीटर, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो चारों ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए होंगे, एक तो आपका जो क्वेश्चन है उसका हो गया आपका स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, पेस मेकर आपका हो गया जो हृदय स्पंदन कम हो जाता है तो उसको नॉर्मल अवस्था में यानी नॉर्मल जो सामान्य अवस्था है उसको उस स्थान पे लाने के लिए यूज होता है। एनीमोमीटर भी आपका पता चल गया कि जो हवा की शक्ति होती है, हवा गति की जो गति होती है उसका मापक होता है। और एमीटर आपका क्या करता है, तो वो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है यानी विद्युत जो धारा होती है उसकी माप करता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पे हमने जो पहला जो स्लाइड रखी थी स्टार्टिंग के लेसन में, हमने आपको बोला था कि क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ यानी विटामिन सी का आपको रासायनिक नाम बताना है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो वो होता है एस्कार्बिक एसिड। और पहले वाला जो लेसन था उसमें मैंने आपको इतने अच्छे से बताया था कि अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो विटामिन जो सी होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो वो होता है एस्कार्बिक एसिड। और इससे रिलेटेड हमने आपको एक डिजीज भी बताई थी, इससे रिलेटेड हमने आपको डिजीज बताई थी स्कर्वी। ध्यान रखिएगा विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है।
उसके अलावा हमने आपको विटामिन ए का भी रासायनिक नाम बताया था, वो रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का भी बताया था, थायमिन होता है, जो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन भी है, ठीक है। विटामिन बी का क्या होता है, तो वो थायमिन होता है। उसके अलावा हमने आपको विटामिन डी का बताया था, कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन ई का बताया था, टेकोफेरॉल होता है। यानी जितने इंपॉर्टेंट थे वो सारे हमने आपको बता रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, तो वो है आपका ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, ध्यान रखिएगा आपको पूछा जाता है। और ये विटामिन वाला सेक्शन हमने स्टार्टिंग में ही खत्म कर रखा है, तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर है वो आपका विटामिन ए, ठीक है। सॉरी ऑप्शन जो आंसर जो ए है, ऑप्शन फर्स्ट आपका है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी। देखिए फाइनली ये क्वेश्चन आ ही गया, ठीक है। लगातार हम ऑप्शंस में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी आपके कौन है, वो है एरिस्टोटल। हमने आपको बताया था कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों एक ही है। अरस्तु ने ही आपके जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों की खोज की थी। लेकिन जब बायोलॉजी शब्द का नाम आता है, कि जो बायोलॉजी टर्म है उसकी खोज सबसे पहले उसको किसने यूज किया था, तो वो किया था लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने। ये हमने आपको इससे पहले वाले लेसन में भी बताया था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि फादर ऑफ बायोलॉजी इज, यानी जो आपका जीव विज्ञान है उसके जनक कौन है, तो वो है अरस्तु। वहीं जंतु विज्ञान के जनक भी आपके कौन है, अरस्तु है। बाकी बात कर लें तो हैनीमैन आपके किसके हैं, तो होम्योपैथी के। होम्योपैथी के जनक कौन है, तो हैनीमैन है। लैमार्क ने क्या दिया है, तो विकास विकासवाद के जनक कह जाते हैं लैमार्क। लैमार्क किसके जनक कह जाते हैं, तो विकासवाद के जनक कह जाते हैं। वहीं लीनियस, इनको हम कहते हैं जो मॉडर्न जो आपकी आधुनिक वनस्पति विज्ञान होता है, ठीक है, उसके आपके कहलाते हैं जो फादर कहलाते हैं वो लीनियस कहलाते हैं। जो आपकी मॉडर्न बॉटनी होती है उसके जो फादर कहलाते हैं वो लीनियस कहलाते हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो वो है अरस्तु। इस क्वेश्चन की डिटेलिंग भी मैंने करी, आप इसको देख लीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी कौन है, तो वो है अरिस्टोटल, यानी अरस्तु है। फादर ऑफ आयुर्वेदा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ आयुर्वेदा कौन है, तो वो है चरक, ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ आयुर्वेदा कौन है, तो चरक है। और बायोलॉजी और जूलॉजी के फादर कौन है, तो वो अरिस्टोटल है। उसके अलावा फादर ऑफ होम्योपैथी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ होम्योपैथी कौन है, तो वो है हैनीमैन। इनके पे क्वेश्चन भी बना था, हमने आपको बताया था। फादर ऑफ बॉटनी, यानी जो आपके वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफेस्टर है, थियोफेस्टस है। होम्योपैथी के जनक कौन है, तो हैनीमैन है। आयुर्वेदा के जनक कौन है, तो चरक है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु है। और वनस्पति विज्ञान के थियोफेस्टस हो गए। और आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी जो मॉडर्न बॉटनी के जो फादर हैं वो कौन है, लीनियस हैं। तो ये सारे ही मिल गए आपको, ब्रांचेस मिल गए और उनके जनक मिल गए, उनके फादर मिल गए। तो ये देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाता है। और हमारा जो क्वेश्चन था उसका सही ऑप्शन आपके सामने है कि फादर ऑफ बायोलॉजी वो कौन है, तो वो है अरस्तु, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ड्राई आइस इज कॉल्ड, जो शुष्क बर्फ जिसको कहते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ऑप्शन आपके पास चार है। सॉलिड CO2 को कहते हैं, गैस CO2 को कहते हैं, मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर, या नन ऑफ द एबव। तो जो सही ऑप्शन दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम ड्राई आइस कहते हैं। इसी तरह आपका एक भारी जल यानी D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अलग अलग है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप D2O को ड्राई आइस लगा के चले आते हैं, तो लेकिन ड्राई आइस क्या होता है, तो ये होता है सॉलिड CO2, यानी आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है आपका ड्राई आइस, वहीं ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O आपका कहलाता है भारी जल, ध्यान रखिएगा दोनों। शुष्क बर्फ आपका कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, वहीं आपका जो D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, वो आपका कहलाता है भारी जल। तो इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका यहाँ पे ड्राई आइस पूछा जा रहा है, यानी शुष्क बर्फ पूछा जा रहा है, जो कि होता है आपका ऑप्शन ए, जो आपका है सॉलिड CO2, यानी जो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आपका होता है ड्राई आइस, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है HIV के, जो HIV की वजह से एड्स होता है, और फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है। वैसे सारे लोगों को याद हो जाता है, लेकिन कंफ्यूजन में हम गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं एक्वायर्ड इम्यून डिजीज डिफिशियंसी, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, लास्ट में आपका एस है तो ये बनता ही नहीं है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंट सिंड्रोम, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आप देख लीजिए। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, या फिर एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो जो सही वाला है वो है आपका ऑप्शन सी। आप ऑप्शन पे मत, आंसर पे मत जाया करिए, हम बोलते हैं कि आंसर आपके पास लास्ट चांस होता है, जब ये सारी चीजें डिस्कस कर लें तभी आप आंसर पे जाया करें। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ये तो आंसर मैंने इसलिए दे रखा है कि जब मैं स्लाइड चेंज करता हूं तो इसके आंसर यहां पे नहीं दिखते हैं, ठीक है, इस वजह से दिया गया है। तो द फुल फॉर्म ऑफ एड्स क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये आपका है फुल फॉर्म।
एड्स का, जो एचआईवी के वायरस से होता है। और एचआईवी क्या करता है, किसको प्रभावित करता है, कभी कभी पूछा जाता है कि एड्स जो रोग होता है हमारे किस रोग को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको प्रभावित करता है, उसको इफेक्ट करता है एड्स जो होता है, जो कि एचआईवी के वायरस से होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एचआईवी के वायरस से एड्स होता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और जो ये करता है, प्रभावित किसको करता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारा रक्षा तंत्र होता है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। उम्मीद है आपको कि क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ये सारे ही क्वेश्चंस दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपने पूरे कोर्स में खुद को एनरोल किया होगा ताकि